एकदम बहुत ही आसान है। अभी तक हम लोग देख रहे थे एक आवेश पर एक ही आवेश की वजह से बल लग रहा था ना, मतलब यहाँ पर कोई एक आवेश था और इस पर एक ही आवेश की वजह से इस पर कोई बल, मान लीजिए या क्यू आवेश है, ठीक है, क्या आवेश है, क्यू आवेश है, और इस पर अभी तक हम देख रहे थे कि एक ही बल की वजह से, मतलब एक ही आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ पर दो या दो से अधिक आवेश की वजह से, मान लीजिए यह हो गया, ये मान लीजिए क्यू वन है या क्यू टू है या क्यू थ्री है या क्यू फोर है और या क्यू एन है, मान लीजिए बहुत सारा आवेश है, इनकी वजह से इन क्यू पर लगने वाला टोटल बल कितना होगा, यानी बल का परिमाण कितना होगा, और उसी के सिद्धांत को हम लोग क्या बोलते हैं, बल के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब कहने का अर्थ है एक आवेश पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला जो बल परिमाणी बल होता है उसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, वो सदिश योगफल के बराबर, सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखिए क्यू वन से क्यू के बीच की दूरी क्या मान लेंगे हम लोग, आर वन, क्या मान लेंगे, क्योंकि बल सदिश राशि है। क्यू टू से क्यू के बीच की दूरी क्या है, ये आर टू होगा, और क्यू थ्री से क्यू के बीच की दूरी आर थ्री होगा, क्यू फोर से क्यू के बीच की दूरी आर फोर, और क्यू एन से क्यू के बीच की दूरी आर एन, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ रिपल्सन फोर्स काम करवाते हैं, कौन सा फोर्स, मतलब प्रतिकर्षित, मतलब क्यू वन के कारण क्यू वो क्यू पर लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर, यह एफ वन हो गया, क्यू टू के कारण एफ टू, क्यू थ्री के कारण एफ थ्री, क्यू फोर के कारण एफ फोर, और क्यू एन के कारण, ये सारे फोर्स लग रहे हैं, मतलब क्यू वन इस पर फोर्स जो लगा रहा है किधर लगा रहा है, एफ वन, क्यू टू किधर लगा रहा है, एफ टू, क्यू थ्री एफ थ्री, क्यू फोर एफ फोर, और क्यू एन, मान लेते हैं एन चार्ज था और वह एन फोर्सेस लगाएगा टोटल। तो यानी सिंपल सा लॉजिक कह रहा है कि इन आवेश पर लगने वाला जो, इन आवेशों के द्वारा जो लगने वाला परिमाणी बल होगा वह इन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। मतलब कह रहे हैं कि किसी एक बिंदु आवेश पर दो या दो से अधिक आवेश के कारण लगने वाला परिमाणी बल उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, क्या समझ में आई, किसी एक बिंदु पर दो या दो से अधिक आवेशों की वजह से लगने वाला परिमाणी बल जो होगा वह हमेशा किसके बराबर होगा, उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा, किसके बराबर, सदिश योगफल के बराबर होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना, इसी बात को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, क्विकली, ठीक है। यदि किसी आवेश पर, नहीं पहले उसको लिख दीजिए, करते हैं, यदि किसी आवेश पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, तो उस आवेश पर परिमाणी बल का मान, तो उस आवेश पर परिमाणी बल का मान सभी बल के सदिश योगफल के बराबर होता है, सदिश योगफल के बराबर होता है,
सदिश योगफल के बराबर होता है। देखिए यदि आपको यहाँ बताए कि एफ बराबर क्या है, ये एफ बराबर क्या है, क्यू पर लगने वाला परिमाणी बल है, क्यू पर लगने वाला, क्यू पर लगने वाला परिमाणी बल है, परिमाणी बल, तब एफ जो होगा वह किसके बराबर होगा बबुआ, एफ वन को जोड़ेंगे प्लस वेक्टर एफ टू प्लस वेक्टर एफ थ्री प्लस वेक्टर एफ फोर प्लस वेक्टर ओ डॉट 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 कहाँ तक है, एन तक है ना, तो वेक्टर एफ एन होगा ना। और बल का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, आपको तो पता है, आप लोग बहुत महान है, बल का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यही होता है रे बल का फॉर्मूला, यही होता है बल का फॉर्मूला, एफ बराबर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यही होता है। तो यहाँ देखिए एफ वन के लिए, एफ वन के लिए आवेश कौन लगा रहा है, Q1 और दूसरा आवेश कौन है Q, तो यहाँ पर क्या होगा F के जगह, F1 के जगह 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q होगा ना, बाय दूरी क्या है दोनों के बीच का R1, तो R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप होगा, क्योंकि यहाँ R कैप होता है, तो अब यहाँ दूरी कौन है R1 है ना, तो इसलिए यहाँ भी क्या होगा R1 कैप हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे बाबू F1 का, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है Q1 इंटू Q2 होता है, तो Q1 कौन है Q1 है और Q2 कौन है Q है, तो Q1 इंटू Q2 और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R1, तो R1 स्क्वायर दिए है इंटू R कैप, मतलब दिशा उत्तर दूरी की दिशा में होता है, तो किधर होगा R1 की दिशा में ही है ना, देखिए तो यह R1 कैप हो गया। फिर F2 बराबर क्या होगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 होगा ना, Q2 इंटू Q, Q2 इंटू Q, बाय क्या हो जाएगा R2 का मोड का स्क्वायर इंटू R2 क्या, यही होगा। फिर प्लस चलेंगे तीसरा में, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 इंटू Q होगा ना, बाय क्या हो जाएगा R3 का मोड का होल स्क्वायर इंटू R3 क्या, समझ में आया ये। फिर देखिए फिर किसके लिए होगा, F4 के लिए, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू फोर, क्यू फोर इंटू क्यू बाय आर फोर का मोड का होल स्क्वायर इंटू आर फोर कैप होगा ना। फिर प्लस करेंगे डॉट 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 कहाँ तक, एफ एन के लिए क्या लिखेंगे, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन इंटू क्यू होगा ना, बाय क्या हो जाएगा बबुआ आर एन का मोड का स्क्वायर इंटू आर एन क्या होगा ना। आप देखिए बताइए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बताइए तो, और कुछ नहीं आ रहा है, क्यू भी आ रहा है ना, तो यहाँ एफ बराबर क्या होगा क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, इसमें बचा क्या क्यू वन बाय आर वन का होल स्क्वायर इंटू आर वन क्या, यही बचा। फिर देखिए दूसरे में क्या बचा, क्यू टू बाय R2 का मोड का स्क्वायर इंटू R2 क्या, एक बचा है, इसमें क्या बचा Q3 बाय R3 का मोड का स्क्वायर इंटू R3 क्या। फिर यहाँ क्या बचा Q4, Q4 बाय R4 का मोड का स्क्वायर इंटू R4 का क्या। फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, क्यू एन बाय आर एन का मोड का स्क्वायर इंटू आर एन, यही हुआ। अब देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो ये इतना बड़ा जोड़ संभव नहीं, इसको समेशन के टर्म, इतना फॉर्मूला याद रखना संभव है, तो हम लोग क्या करेंगे समेशन के टर्म में इसको लिख देते हैं। तो समेशन के तौर पे इसका क्या फॉर्मूला होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू कहाँ से शुरू है, वन से, वन से शुरू है, कहाँ तक है लास्ट एन तक, क्या लिखेंगे क्यू आई बाय आर आई का स्क्वायर इंटू आर आई क्या। अब अगर बीस तक कहेगा तो एन कहाँ तक हो जाएगा, बीस तक,
50 कहेगा तो n के जगह क्या रखेंगे 50 तक, तो i i का वैल्यू 1 से लेकर 50 तक रखना है, वैसे करके हमको निकाल लेना है। ये फॉर्मूला हो गया s बराबर का मतलब हां आज में s नहीं है i, ये i i के यहां बिंदा है ना, i है देखो समेशन को कैसे लिखते हैं, आई के जगह क्या क्या कहाँ से कहाँ रखना है, यहाँ आई लिया है ना, क्यू आई बाय आर आई इंटू सब में यही है, क्यू आई बाय आर आई इंटू आर आई कैप, जो पहला में ऊपर में नीचे भी वही है और कैप में भी वही है, इसीलिए आई के कम में ले लिए, तो आई बराबर कहाँ से शुरू है, वन से लेकर कहाँ तक है, एन तक है, आई बराबर कहाँ से ले लिए, वन से लेकर एन तक, अगर यदि आई का वैल्यू यहाँ दो हो जाएगा तो दो को हम कैसे लिखेंगे, क्यू टू बाय आर टू का मोड का स्क्वायर इंटू आर टू कैप हो जाएगा ना, इस टाइप से एनालिसिस देखते हैं, क्या देखते हैं, अब जो हमको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो आएगा आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल जो आएंगे वो आपको लगभग इसी क्वेश्चन पर आएगा, ठीक है, इसका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं, कुछ नहीं है, आसान सा है और अच्छे तरीके से बना लेना। देखिए अधिकांश देता है केवल दो फोर्सेस के लिए, कितने के लिए, एनालिसिस में देखते हैं केवल दो बल के लिए, केवल दो बल के लिए, केवल दो बल के लिए, देखिए क्या होगा केवल दो बल के लिए, एफ बराबर क्या होगा, एफ वन प्लस एफ टू, एफ वन प्लस एफ टू होगा, तो एफ बराबर क्या होता है, जोड़ने का क्या तरीका, इसको जैसे जोड़ेंगे हम लोग तो एफ बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने का क्या तरीका है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ने का क्या तरीका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसका रूट होता है, ठीक है, ये कहीं लिख लीजिए साइड में, जरूरत पड़ेगा जो नहीं वेक्टर पड़े उसके लिए जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एफ बराबर क्या होगा, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस थीटा, ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर थीटा का एनालिसिस कर लेते हैं, यदि थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, यदि थीटा बराबर क्या ले लेते हैं, जीरो डिग्री, थीटा बराबर जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, तब एफ बराबर क्या होगा रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन। तो ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है बबुआ, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन इंटू एफ टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, किसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या होगा रूट अंडर एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एफ बराबर क्या होगा एफ वन प्लस एफ टू, केवल दो फोर्सेस को जोड़ने के लिए जीरो डिग्री पर क्या होगा डायरेक्टली एफ वन प्लस एफ टू को हम लोग दोनों के परिमाण को जोड़ देंगे। वही अगर यदि हम लोग क्या देखेंगे, यदि थीटा बराबर क्या दे दे, थीटा बराबर दे दे 90 डिग्री, क्या दे दे 90 डिग्री दे दे, तो यहाँ पर cos 90 इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तब जाके f बराबर क्या होता है f1 प्लस f2, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या होगा f बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 इंटू f2 गुना जीरो, तो ये टर्म जीरो बन जाएगा, तो f बराबर क्या होगा रूट अंडर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये एनालिसिस है। वही अगर यदि हम लोग माइनस 180 डिग्री देखेंगे, कितना डिग्री पर 180 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, एनालिसिस ए माइनस एफ वन माइनस एफ टू हो जाएगा, ठीक है।